the इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज ए कोरिलेशन एनालिसिस. उसके बेस के ऊपर हमने आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 4 भेजा था, जिसमें 4 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, उनको सॉल्व करना था. आई होप कि आपने सॉल्व कर लिए होंगे, लेकिन अपनी इवेल्युएशन और उसकी क्रॉस चेकिंग के लिए हम आपको ये उनको सॉल्व करके दे रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले देखते हैं कि 11 क्या है. क्वेश्चन नंबर 11 में था कि कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. हस्बैंड्स एज एंड वाइफ्स एज वाज गिवन टू यू. ओके, तो चलिए जी अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एज दे रखी है. ओके, तो ये सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि हस्बैंड्स एज और वाइफ्स की एज को थोड़ा सा कोडिंग कर लेते हैं. तो लेट अस एक्स डिनोट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाई एज ऑफ वाइफ. हमने ये मान लिया कि हस्बैंड की एज को हम एक्स मान लेंगे और वाइफ की एज को जो है हम वाई मान लेंगे. जब हमने एक्स और वाई माना तो ये एक्स यानी कि हस्बैंड्स एज 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 35 और 40. तो इस तरह से मेरे पास सिग्मा एक्स आ रहा है 340. उसके बाद मैं वाइफ्स एज लिखूंगा यहां पे, तो 18, 20, 22, 25, 22, 28, 28, 30, 27, 30, 22. ये वाई आ गया, ये मेरा सिग्मा वाई इज इक्वल टू 272 आ गया. इस तरह से मैंने एक्स की वैल्यू लिखूंगा, फिर मैं वाई की वैल्यू लिखूंगा. जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे करते हैं. ओके, तो पहले सबसे पहले मैंने एक्चुअल मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करी कि मैं डेविएशन किससे लूं. तो यहां मेरा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 3, तो मीन ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन विच इज इक्वल टू 341, और ये मेरे 11 पेयर्स हैं, तो 341 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 31. तो यहां तो मैं डेविएशन एक्चुअल से ले लूंगा, अगर इसको भी हमें अज्यूम मान लूंगा तो भी कोई परेशानी नहीं है. अच्छा, उसके बाद सिग्मा वाई इज इक्वल टू 272 ले लिया, तो मीन इज इक्वल टू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन इज इक्वल टू 272 डिवाइड बाई 11 विच इज इक्वल टू 24/7/3. अब हो क्या रहा है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो सिंस मीन ऑफ वाई इज इन फ्रैक्शन, ठीक है जी, फ्रैक्शन में है 24.73, वी अप्लाई द अज्यूम्ड मीन मेथड. इसलिए हम कौन सा मेथड लेंगे, अज्यूम्ड मीन. अदरवाइज हम किससे भी कर सकते थे, एक्चुअल मीन से भी कर सकते थे, अगर हमारे पास यहां पे एक्चुअल मीन जो है वो राउंड फिगर में होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, ठीक है जी. तो यहां से आपको एक हिंट दिया हमने कि एक्चुअल मीन और अज्यूम्ड मीन से आपने क्वेश्चन किस मेथड से करना है. सो वी टेक डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज फ्रॉम 31 एंड दैट ऑफ वाई फ्रॉम 25. हमें क्या पता कि ये एक्चुअल है, लेकिन हमने वैसे ही इसको 31 अज्यूम्ड, इसको भी 25 हमने इसको अज्यूम मान लिया. ओके, तो जब हमने अज्यूम मीन मान लिया, तो हमने सबसे पहले एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन यानी कि 31 विच इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है जी. अज्यूम्ड मीन से जब हम लेते हैं तो डेविएशन डी, और एक्स एक्स सीरीज के लिए है. तो 24 - 31 इज इक्वल टू -7, 27 - 31 इज इक्वल टू -4, 28 - 31 इज इक्वल टू -3, 28 - 31 इज इक्वल टू -3, 29 - 31 इज इक्वल टू -2, 30 - 31 इज इक्वल टू -1, और 32 - 31 इज इक्वल टू +1, 33 - 31 इज इक्वल टू +2, 35 - 31 इज इक्वल टू +4, 35 - 31 इज इक्वल टू +4, और 40 - 31 इज इक्वल टू 9, ठीक है. ओके, और आपको पता है कि हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, उसके लिए हमें डी स्क्वेयर एक्स की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि एज यू नो बेटर अबाउट द फार्मूला जिसको हम बोलते हैं कि सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई डिवाइड बाई एन, और विच इज डिवाइडेड बाई सिग्मा डी स्क्वेयर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एन. तो इसका मतलब डी स्क्वेयर एक्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसको स्क्वेयर कर देते हैं. तो 7 का स्क्वेयर 49, 4 का स्क्वेयर 16, 3 का स्क्वेयर 9, 3 का स्क्वेयर 9, 2 का स्क्वेयर 4, 1 स्क्वेयर 1, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 4 का स्क्वेयर 16 एंड 4 का स्क्वेयर 16 और 9 का स्क्वेयर 18. सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि यही एक्चुअल मीन है, यही हमने अज्यूम्ड मीन मान लिया, तो उससे तो ये प्रॉपर्टी क्लियर बता रही है हमें कि दिस अज्यूम्ड मीन इज ऑल्सो टू बी इज इक्वल टू द एक्चुअल मीन, दैट्स व्हाई द सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू 0. अच्छा, अब भी हमने सिग्मा वाई माइनस अज्यूम्ड मीन विच इज 25, तो ये आप मेरे पास डेविएशन किसका, वाई का, इसलिए डी वाई.
तो 18 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 7, 20 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 5, 22 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 3, 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, 22 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 3, 28 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 3, 28 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 3, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 5, 27 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 2, 30 माइनस 25 इज इक्वल टू प्लस 5 एंड 22 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 3। इस तरह से सिग्मा डी वाई माइनस 3, तो उसी तरह से हमें चाहिए सिग्मा डी स्क्वायर वाई भी चाहिए। तो 7 स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, सिग्मा डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 173। अब मुझे चाहिए सिग्मा डी एक्स डी वाई, क्योंकि पहले ही चीज है, तो डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। तो माइनस 7 इंटू माइनस 7 इज इक्वल टू 49, माइनस 4 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 20, माइनस 3 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 9, माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 6, माइनस 1 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 3, प्लस 1 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 3, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, 9 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27। इस तरह से मेरा सिग्मा डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 95, राइट। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने जो फार्मूला है, अदरवाइज मेरा जो फार्मूला होता है वो जनरली क्या होता है, जो हमने पढ़ा था, आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइडेड बाई एन। लेकिन मैंने क्या किया, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए एन से इसको मल्टीप्लाई करके मेरा मैंने फार्मूला इधर को ले आया। तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, तो एन सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई, राइट। उसी तरह से मेरे पास यहां पे जो फार्मूला आता है वो क्या होता है सर, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अगर मैं इस अंडर द रूट, अगर इसको मैं एन से यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑटोमेटिकली मेरे पास फार्मूला क्या बन जाता है, एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। उसी तरह से सिग्मा एन सिग्मा, क्योंकि एन इसके नीचे होता है तो एन से मल्टीप्लाई कर दिया, सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, ठीक है जी। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस फार्मूले को थोड़ा सा कन्वर्ट कर दिया, ओके। कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो एन मेरे पास कितना है सर, 11 है, ये 11 से आपने डिवाइड किया। सिग्मा डी एक्स कितना है सर, 0 है। सिग्मा डी वाई किसके बराबर है, माइनस 3 के बराबर है। डी स्क्वेयर एक्स किसके बराबर है, 206 के बराबर है। डी स्क्वेयर वाई किसके बराबर है, 173 के। और सिग्मा डी एक्स वाई किसके बराबर है, 95 के। तो चलिए जी पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज को पुट करते हैं। तो जब पुट की तो मेरे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू 11, एन 11, सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है, 95 इंटू 95, माइनस सिग्मा डी एक्स किसके बराबर है, 0, और सिग्मा डी वाई किसके बराबर है, माइनस 3, ठीक है जी। उसके बाद एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, तो 11 इंटू ये, अब यहां पे मेरे पास क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, तो डी स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, 206 के बराबर है, ये 206 लिख दिया। उस तरह से 11, लेकिन यहां पे सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, 0, तो 0 का होल स्क्वायर कितना होगा, 0, इसलिए मैंने यहां नहीं लिखा। उसके बाद एन मेरा 11 है, सिग्मा डी स्क्वायर वाई जो है वो 173 है, माइनस सिग्मा डी वाई जो है वो 3 का होल स्क्वायर है, 3 है मेरे पास वैल्यू और 3 का होल स्क्वायर मेरे पास आ गया, ठीक है जी। अच्छा, 11 को मैंने 95 से मल्टीप्लाई किया तो 1045 आया, माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। उस 11 से 206 को मल्टीप्लाई तो 11 6 66, 11 2 जा तो 2266 हो गया। उस तरह से मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1903 आ गया, और 3 का स्क्वायर माइनस 9 आ गया, तो 105 डिवाइड बाई, अब इसका मैंने अंडर रूट देखा तो 47.63 आ रहा है, और इसका अंडर रूट जो है वो आ रहा है 43.52 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे जो है 18 और ये हो गया मेरा 96, ठीक है, 1896 का अंडर रूट, 96 का अंडर रूट, तो ये मेरा इज इक्वल टू 1045 डिवाइडेड बाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2071.683 आ गया, तो ये मेरी वैल्यू आ गई, दैट इज 0.504। सो दिस इज द
कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द एज ऑफ द हस्बैंड एंड द एज ऑफ द वाइफ. ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को तक चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है देखिए. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑल्सो द रिलेटिवली डिफेक्टिव आइटम्स अमंग देम. अकॉर्डिंग टू साइज ग्रुप फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन साइज, इस साइज के बीच में, एंड डिफेक्ट इन क्वालिटी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी. डिफेक्ट, तो डिफेक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने पड़ेगी, इसकी परसेंटेज कितना परसेंट डिफेक्टिव है, कितना परसेंट है, फिर हम इसका बीच का रिलेशनशिप देख सकते हैं. ओके, तो चलिए जी हम क्वेश्चन नंबर 12 को भी, तो ये है जी क्वेश्चन नंबर 12. तो सबसे पहले तो है कि लेट द मिड पॉइंट ऑफ द साइज बी डिनोटेड बाई एक्स. जो भी साइज का जो मिड पॉइंट आएगा, क्योंकि इसकी मिड वैल्यूज चाहिए मुझे, जब मिड वैल्यूज चाहिए तो उसका उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, और परसेंटेज ऑफ डिफेक्टेड आइटम्स बाय वाई. तो 15 टू 16 का मैंने 21 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 15.5, इसका 16.5, ये मेरे पास 35 का डिवाइड बाय 2 17.5, 37 डिवाइड बाय 2 18.5, उसके बाद 39 डिवाइडेड बाई 2 19.5, और इसी तरह से ये 20 + 21 = 20.5 आ गया. ओके, उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स विच इज इक्वल टू वाई. एंड एज यू नो कि ये कैलकुलेशन जो मैं आपको बता रहा था ये कैसे होती है, 150 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100. ठीक है जी, तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स आपके पास आ गई. देखो 150 डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये जीरो कितना आ गया 75%. ओके, उस तरह से परसेंटेज को हमने कैलकुलेट कर दिया 75, 60%, 50, 45, 38, इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया. अच्छा, अब मेरे पास क्या आ रहा है, क्योंकि यहां पे फ्रैक्शंस आ रही है, तो फ्रैक्शंस में लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन लेना पड़ेगा. तो अज्यूम्ड मीन के लिए मैंने ये फिगर जो है वो उठा ली यहां से, आपकी मर्जी है, आप 18.5 उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे. तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, x माइनस 17.5, जब 17.5 उठाया तो 15.5 माइनस 17.5 माइनस 2, और ये मेरा माइनस 1, ये 0 आ गया, और 18.5 माइनस 17.5 प्लस 1 आ गया, ये प्लस 2 और ये प्लस 3, तो सिग्मेटिक x 3, इसका मतलब दिस इज ए अज्यूम्ड मीन, नहीं तो अगर एक्चुअल होता तो 0 आ जाता. अच्छा, उसके बाद मुझे डी स्क्वायर एक्स चाहिए होता है, यू नो बेटर, अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया. तो 2 × 2 = 4, 1 × 1 = 0, 0 × 1 = 1, 2 × 4 = 3 × 9, तो सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 19 मेरे पास इसका टोटल आ गया. अच्छा, अब वाई में भी हमने क्या किया, बीच से जो भी उठा लीजिएगा आपकी मर्जी है. तो वाई माइनस 50 ले लिया मैंने, तो क्या हो गया 75 − 50 = +25, 60 − 50 = +10, 50 − 50 = 0, 50 − 50 = 0, 45 − 50 = -5, और 38 − 50 = -12, सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू 18. डी स्क्वेयर वाई 25 × 6 = 25, 10 × 2 = 100, 0 × 0 = 0, 5 × 2 = 25, 12 × 1 = 44, इस तरह से सिग्मा डी स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 894. अब अभी डीएक्स डीवाई चाहिए था मुझे, तो −2 × 70 × −25 विच इज इक्वल टू −50, −1 × −10 = −10, 0 × 0 = 0, 1 × 0 = 0, राइट. उसके बाद जो है मेरा +2 × −5 = −10, और 3 × −12 = 36, सो dx dy इज इक्वल टू −106. अभी हमने देखा कि r जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, मैंने बताया आपको कि n मैंने कैसे यहां पे शिफ्ट किया, तो ये फार्मूला n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy डिवाइड बाई n सिग्मा d स्क्वायर x माइनस सिग्मा d x का होल स्क्वायर, अदरवाइज ये इसके नीचे n होता है अंडर द रूट n सिग्मा d स्क्वायर y माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर, तो आपको पता है कि n नीचे होता है. अच्छा, अब मेरे पास n कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है जी, तो n मेरा 6 हो गया. dx dy माइनस 106 है, ये लीजिए, माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है जी 3 है, और डी वाई सिग्मा डी वाई कितना है मेरा 18 है, ये लो ए 3 और 18 आ गया. ओके, उसके बाद देखिए एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 6 × 19 आ गया मेरे पास, लो जी, माइनस 3 का स्क्वायर आ गया,
ये डी एक्स का होल स्क्वायर, 6 इंटू उसके पास डी स्क्वायर वाई कितना जी 894 माइनस 18 का होल स्क्वायर, ये आ गया जी। अच्छा अब माइनस यहां पे माइनस 636 से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस 630, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस 54 आ गया, डिवाइडेड बाय आप देखिए 6 को 19 से मल्टीप्लाई करूं तो 114 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करूं तो माइनस 9 आ रहा है, तो ये मेरे पास 105 आ गया। ठीक है जी, उस तरह से मैंने क्या किया 6 को 894 से मल्टीप्लाई किया और 18 के स्क्वायर से इसको माइनस किया, ये मेरे पास 5040 आ रहा है, विच इज इक्वल टू नाउ माइनस 690 और 105 का अंडर रूट और 5040 का अंडर रूट को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आ रहा है 727.46, से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 0.94 आ रहा है। ओके अब आता है मेरा प्रोबेबल एरर, तो प्रोबेबल एरर हमारे पास फॉर्मूला है 0.67451 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट एन, विच इज इक्वल टू 0.67451 माइनस, अब आर स्क्वायर जो है वो मेरा कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है, तो आर कितना है मेरा माइनस 0.949, माइनस 0.949 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 अंडर रूट 6 है मेरा। ठीक है जी, एन कितने है मेरे 6 हैं, ये देखो 6, तो ये मैंने 6 का अंडर रूट बना दिया, विच इज इक्वल टू 0.6745 इनटू ये 1 माइनस, इसको मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करके जो है ये कैलकुलेशन आ गई मेरी 0.099 और 6 का अंडर रूट जो है वो 2.449 होता है, इससे मैंने डिवाइड किया, अल्टीमेटली मेरा प्रोबेबल एरर आ रहा है 0.027 जो है वो, दैट इज माई आंसर। तो यहां पे एक स्टेप और था आपके लिए, वो था प्रोबेबल एरर का, राइट। ओके अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो अब हमारे पास रैंक के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो गए, और कई बार रैंक का क्वेश्चन आता है, कई बार वहां से क्वेश्चन आ जाता है, सो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, आपको तो पूरी तरह से तैयार रहना। देखो क्या हुआ, 10 कॉम्पिटेटर्स इन ए ब्यूटी कंटेस्ट आर रैंक्ड बाय 3 जजेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर, यानी कि समझ लिए कि एक कॉम्पिटिशन चला हुआ है, उस कॉम्पिटिशन में 3 जज बैठे हैं और 3 जजेस ने, ये 10 कॉम्पिटिटर्स हैं और 3 जजेस ने उनकी रैंकिंग कर दी है, जिसको रैंक 1 फर्स्ट जज ने दिया, उसको सेकंड ने 3 दिया है और थर्ड ने उसको 6 दे रखा है, इस तरह से उन्होंने रैंकिंग कर रखी है, ऑलरेडी रैंकिंग आपके पास है, आपको रैंकिंग करने की जरूरत नहीं है। ओके तो एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी जो रैंक दे रखे हैं उसके बेस के ऊपर है, एक है जहां आपको रैंकिंग करनी पड़ती है। तो यूज रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट टू डिटरमाइन विच पेयर ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी, इनमें से 3 जजेस में से ऐसे कौन से 2 जजेस हैं जिनका ब्यूटी में कॉमन टेस्ट है, जिनको एक जैसी क्वालिटीज हैं उसमें। ठीक है जी, ओके तो आइए जी क्वेश्चन नंबर 13 में हम अब अपनी एनर्जी लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच पेयर ऑफ जजेस हैज द नियरेस्ट अप्रोच टू कॉमन टेस्ट इन ब्यूटी, वी कंपेयर रैंक कोरिलेशन बिटवीन द जजमेंट ऑफ कौन कौन से, फर्स्ट जज एंड सेकंड जज, ये देखिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दे रखे हैं, तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड का देखेंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड का देखेंगे और थर्ड फॉर वन का देखेंगे। तो हमने किया फर्स्ट जज और सेकंड जज को, सेकंड जज का थर्ड जज को, और फर्स्ट जज और थर्ड जज, यानी कि फर्स्ट और थर्ड जज 1, 2, 2, 3 एंड 1, 3। ओके तो अब आ जाते हैं मेरा रैंक बाय फर्स्ट जज, ऑलरेडी दे रखे हैं, जब ऑलरेडी रैंक दे रखे हैं तो उसको सीधा ही R1 मान लेते हैं, तो इसने 1, 6, 5, 10, 3, 2, 4, 9, 7, 8 दे रखा है। सेकंड जज ने उसको हमने R2 बोल दिया, उसने ये 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6, 9 दे रखे हैं, N 10 है, N यहां भी 10 है, और जो रैंक बाय थर्ड जज है वो भी उसने भी ऑलरेडी देखे हैं, इसलिए हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको हमने R3 बोल दिया। ओके तो ये 6, 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, 5, 7, तो जब हम मेन चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे अगर आपको डाउट हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पहले हम किसके बीच में करना है, 1 और 2 जजेस में, ये दिखा फर्स्ट एंड सेकंड जज। ओके तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं डी स्क्वायर। ठीक है जी, डी बोलते हैं डेविएशन बिटवीन द रैंक्स ऑफ टू जजमेंट्स, राइट। तो 1 ये कहां गया, R1 और माइनस R2, तो R1 माइनस R2 कितना आ गया जी 2, और 2 का स्क्वायर कितना आ गया जी 4, समझ गए जी।
आर वन कितना है, वन, वन में से माइनस थ्री करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस टू का स्क्वेयर करेंगे तो क्या आएगा, फोर आएगा। ठीक है, सिक्स में से फाइव को माइनस किया वन आया, वन का स्क्वेयर आ गया वन आ गया। ठीक है, फाइव में से एट माइनस किया तो माइनस थ्री का स्क्वेयर किया तो नाइन हो गया। टेन में से फोर माइनस किए तो सिक्स, सिक्स का स्क्वेयर हो गया थर्टी सिक्स। थ्री में से सेवन माइनस किए तो फोर आ गया, फोर का स्क्वेयर कितना हो गया, सिक्सटीन हो गया। टू में से टेन माइनस किए और उसका एट आ गया, एट का स्क्वेयर सिक्सटी फोर आ गया। फोर माइनस टू, टू, टू का स्क्वेयर हो गया फोर। उसके बाद नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट, एट का स्क्वेयर सिक्सटी फोर। सेवन माइनस सिक्स वन, वन का स्क्वेयर वन। एट माइनस नाइन वन, वन का स्क्वेयर वन। तो सिग्मा डी स्क्वेयर ये आ गया मेरा 200। इसको जब मैंने प्लस किया तो इसका सिग्मा डी स्क्वेयर का आएंगे, सिग्मा डी स्क्वेयर, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये किसके बीच कौन सा डी स्क्वेयर है, ये है आर वन आर टू का। उस तरह से आइए आर टू और आर थ्री में, तो थ्री माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री, थ्री का स्क्वेयर नाइन। फाइव माइनस फोर वन, वन का स्क्वेयर वन। एट माइनस नाइन वन, वन का स्क्वेयर वन। फोर माइनस एट इज इक्वल टू फोर और फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन। सेवन माइनस वन इज इक्वल टू वन, सिक्स, सिक्स का स्क्वेयर हो गया थर्टी सिक्स। टेन माइनस टू इज इक्वल टू एट, एट का स्क्वेयर हो गया सिक्सटी फोर। टू माइनस थ्री इज इक्वल टू वन, वन का स्क्वेयर हो गया वन। वन माइनस टेन इज इक्वल टू नाइन, नाइन का स्क्वेयर हो गया एट्टी वन। सिक्स, ठीक है जी, सिक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू वन, वन का स्क्वेयर हो गया वन। और नाइन माइनस सेवन इज इक्वल टू टू, टू का स्क्वेयर हो गया फोर। इस तरह से मैंने इसको प्लस किया, प्लस करके मेरे पास सिग्मा डी स्क्वेयर आ रहा है टू वन फोर, लेकिन यह टू और थ्री का। अब है मेरा थ्री और वन का, वन और थ्री, तो वन माइनस सिक्स इज इक्वल टू फाइव, फाइव का स्क्वेयर कितना हो गया ट्वेंटी फाइव। सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू फोर, सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू टू, टू का स्क्वेयर फोर। फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू फोर, फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन। टेन माइनस एट इज इक्वल टू टू, टू का स्क्वेयर फोर। थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, टू का स्क्वेयर हो गया फोर। टू माइनस टू इज इक्वल टू जीरो और ये जीरो। उसके बाद आपके पास टू माइनस थ्री माइनस, थ्री माइनस टू हो गया, ओके, टू माइनस थ्री, उसके पास वन हो गया, तो वन का स्क्वेयर आपके पास वन हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरा नाइन माइनस टेन का स्क्वेयर हो गया, वो भी मेरे पास वन आ गया। सेवन माइनस फाइव इज इक्वल टू टू, टू का स्क्वेयर फोर हो गया। एट माइनस सेवन वन, वन का स्क्वेयर वन हो गया। इस तरह से सिग्मा डी स्क्वेयर सिक्सटी आ गया। ओके, अब हमारे पास चलते हैं रैंक कोरिलेशन में। तो रैंक कोरिलेशन बिटवीन द जजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड जज, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये है, सेकंड एंड थर्ड ये है, और वन और थ्री ये है। तो फार्मूला मेरे पास आ है, आर इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स सिग्मा डी स्क्वेयर डिवाइड बाई एन क्यू माइनस एन, टिप्स पे है। तो सिग्मा डी स्क्वेयर किसके बराबर है सर, यहां पे 200 है, एन कितने हैं 10 है, तो आर वन टू लिख दिया मैंने आपके लिए, वन और टू जजेस के लिए, विच इज इक्वल टू वन माइनस सिक्स इन टू 200 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 3 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1200 और 10 तो इस तरह से 1 माइनस 1.212 विच इज इक्वल टू माइनस 0.212 मेरा आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरा है 2 और 3 के बीच में। ओके, तो रैंक कोरिलेशन बिटवीन द जजमेंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड जजेस, तो आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यू माइनस एन, और यहां मेरा अब सिग्मा डी स्क्वायर कितना है जी 214 है, 214 है, तो एन इज इक्वल टू 10 है। मैंने वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया, इससे क्या पता चल गया आपको, टू और थ्री का बता रहा हूं मैं, टू एंड थ्री। ओके, तो वन माइनस सिक्स इन टू कितना है जी 214, 10 रेज टू पावर 3 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 6 4 चार 24, 2 6 1 जा 6 2 8 और 6 2 जा 12 डिवाइड बाई 990 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1.297 विच इज इक्वल टू माइनस 0.297। ओके, उसके बाद चलते हैं जी थर्ड के पास। अब रैंक कोरिलेशन बिटवीन जजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जज, तो आर वन थ्री लिख दिया मैंने, फर्स्ट और थर्ड जज, वन माइनस सिक्स इन टू, ये देखिए सिग्मा डी स्क्वायर 60 है, डिवाइड बाय 10 रेज टू 3 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 360 डिवाइड बाय 990, तो इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया मेरा 0.364 विच इज इक्वल टू 0.636। अब देखिए, अगर मुझे कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन देखना है तो इसमें सबसे मैक्सिमम किसका है, तो देखिए ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव है, अब ये तो अंधे को भी दिख रहा है ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा है, यही है, तो इसका मतलब वन और थ्री के बीच में है। तो हमने क्या लिख दिया, सिंस द कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज मैक्सिमम इन द जजमेंट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड जज, सो वी कंक्लूड दैट दे हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू द कॉमन टेस्ट ऑफ ब्यूटी। ठीक है जी, जो आपसे पूछा था कि किस जज के बीच में कॉमन टेस्ट है,
तो जो कॉमन टेस्ट है वो फर्स्ट और थर्ड जज के में, इसमें आपने जो कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो जो सबसे ज्यादा जिसमें ज्यादा होता है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो उसकी बॉन्डिंग ज्यादा होती है। ठीक है जी। अच्छा अब उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है वो देखते हैं जी। कहता है कंप्यूटर स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ओके अब यहां पे कैंडिडेट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंटेस्टेंट्स हैं और जज एक्स ने जो कंटेस्टेंट नंबर वन है उसको 20 मार्क्स दिए हैं, जज वाई ने इसको 28 दिए हैं। टू यानी कि अब आपको एक्चुअल फिगर्स दे रखी हैं, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन दे रखी है, आपको इसको पहले किसमें कन्वर्ट करना है, रैंक में। और पहले वाला क्वेश्चन सिंपल था जिसमें क्या था ऑलरेडी रैंकिंग हो चुकी थी। ठीक है जी। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाने के लिए हमने कहा कि पहले सिंपल फिर थोड़ा सा टफ और क्या क्या हो सकता है एग्जाम में। ठीक है जी। और मार्क्स आर अवार्डेड आउट ऑफ 35 में से ये मार्क्स दिए गए हैं। तो चलिए जी अब डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कैंडिडेट जो आपको दे रखे थे हमने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका मतलब n इज इक्वल टू 8। अब जज एक्स ने जो मार्क्स दे रखे हैं 35 में से, अभी उसने रैंकिंग नहीं कर रही थी, तो कितने हैं 20 22 28 23 30 30 23 एंड 24। अब जब हम रैंकिंग लगे करने तो हमने सबसे पहले देखा कि 20 को एक रैंक दे दिया, उसके बाद हमने 22 को दूसरा रैंक दे दिया, अब तीसरा मैंने किसको देना है 23 को, तो 23 को 3 दे दिया, और अरे 23 एक और है तो इसको क्या देना चाहिए, इसको 4 मिलना चाहिए। ठीक है, वैसे रफली लिख रहा हूं मैं आपको, ये 1 ये 2 ठीक है जी, ये 3 और 4। अब अच्छा उसके बाद 24 को कितना मिलना चाहिए 5, फिर उसके बाद ये 6 मिलना चाहिए और ये 7, अब ये 30 फिर, ये 30 फिर, तो क्या होना चाहिए। अब ये हुआ क्या, 23 की दो फिगर्स आ गई, 30 की फिगर आ गई। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब ऐसा आ जाए टाई आ जाए तो हम पहले रैंकिंग देख लेते हैं कि 23 को 3 मिल रही है, 23 को यहां 4 मिल रही है, तो क्या करेंगे हम 3 + 4 / 2 विच इज इक्वल टू 7/2 = 3.5। इसलिए हमने 23 को यहां भी 3.5 दे दिया और इसको भी हमने क्या दे दिया 3.5 दे दिया। अच्छा उसके बाद आ जाइए आप 7 और 8, और तो नहीं है 23, हाँ था 7 और 8, तो हमने क्या किया 7 + 8 कर दिया 2 15 हो गया / 2 7.5, तो इसको मैंने 7.5 इसको भी 7.5 दे दिया। क्लियर होगी जी बात यहां पे, यानी कि 3 और 4 की जगह हमने 3.5 कैसे दिया और यहां 7 और 8 की जगह हमने 7.5 और 7.5 कैसे दिया वो हमने आपसे बात डिस्कस कर ली। अच्छा इसका मतलब है कि यहां पे जो है वो कॉमन रैंक्स है, जब कॉमन रैंक्स आते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है एग्जाम में। अच्छा चलो जी जज वाई की तरफ को चलते हैं फिर देखते हैं। जज वाई में 28 है, 24 24 25 26 27 32 30। ओके अब यहां पे क्या होना चाहिए था सर, 24 को 1 24 को 2 होना चाहिए था, फिर 25 को 3 होना चाहिए था, 26 को 4 इसको 5 होना चाहिए और 5 इसको 6 होना चाहिए, इसको 7 होना चाहिए और इसको 8 होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हुआ क्या यहां पे, सो यहां पे 24 और 24 कॉमन है, तो इनको हमने क्या दिया है 1 और 2 दिया है। लो जी 1 + 2 / 2 विच इज इक्वल 3.2 और वो हो गया मेरा 1.5, इसलिए मैंने 1 और 2 की जगह क्या दे दिया 1.5 और 1.5 दे दिया। क्लियर है जी बात। ओके सर जब हमारे पास जज एक्स आ गया तो उसको हमने R1 मान लिया जो कि पहले वाले क्वेश्चन में रेडीमेड था, और इसमें जो रैंक दिया उसको हमने R2 मान लिया। अब हमारे पास डी स्क्वेयर आता है, क्या होता है R1 - R2 का होल स्क्वेयर आता है। ठीक है, तो 1 - 6 = 5, 5 का स्क्वेयर कितना हो गया 25, 2 - 1.5 = 0.5, 0.5 का स्क्वेयर कितना हो गया 0.25। उस तरह से 6 - 1.5 तो मेरे पास क्या आ गया 4.5। ठीक है जी, तो 4.5 का स्क्वेयर जो है मेरा 20.25 आ गया, 3.5 - 3 मेरे पास 0.5 आ गया, तो इसका स्क्वेयर हो गया 0.25। उसी तरह से 7.5 में से 4 माइनस किए तो मेरे पास 3.5 का स्क्वेयर हो गया मेरे पास 1225। 7.5 - 5 = 2.5 और 2.5 का जब मैंने स्क्वेयर किया तो हो गया मेरा 6.25। उसी तरह से मेरा 3.5 - 8 में जब मैंने माइनस किया तो 4.5, तो 4.5 का स्क्वेयर कितना हो गया 20.25। 5 - 7 = 2, 2 का स्क्वेयर हो गया मेरा 4।
इस तरह से मेरे पास सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 88.50 आ गया। ओके, लेकिन आपको हमने सिखाया था क्या, अगर द केसेस ऑफ इक्वल मार्क्स आर, कितने हैं यहां पर पास केसेस, तीन है। कैसे कैसे, एक तो सर 23-23 है, एक 30-30 है और वाई के केस में 24-24 है। ओके, अब इसका मतलब है तीन केसेस है मेरे पास, थ्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्री। सो टू फॉर एक्स सीरीज एंड वन फॉर वाई सीरीज, हैंस 1/12 इंटू एम क्यू माइनस एम वुड बी एडिड थ्राइस इन सिग्मा डी स्क्वायर। आपका फॉर्मूला जो है चेंज हो जाता है, जो पहले वाला सिग्मा डी स्क्वायर, जितने पेयर होंगे उतनी बार जो है वो 1/12 एम क्यू माइनस एम जो है उसमें एड कर दिया जाता है, बस इतनी सी बात है। तो हियर 23 इज रिपीटेड एंड 30 इज रिपीटेड ट्वाइस इन सीरीज एक्स एंड नंबर 24 इज रिपीटेड ट्वाइस इन वाई सीरीज, देयरफोर इन बोथ एक्स एंड वाई एम इज इक्वल टू 3। ओके, ठीक है जी, एम इज इक्वल टू 3। तो अब मेरे पास कितनी बार एड करूंगा मैं, तीन बार। तो आर इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर, ये तो हमारे पास पहले फार्मूला था 1-6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर, लेकिन अब इसमें हम कितनी बार ऐड करेंगे, 1/12 इंटू एम, ये 1 जो एम मैंने फर्स्ट वाले को पेयर कर दे दिए, एम क्यू माइनस एम, तो एक बार, दो बार और तीन बार, क्योंकि तीन पेयर थे, अगर चार पेयर होते तो मैं चार बार ऐड करता, पांच पेयर होते तो मैं पांच बार ऐड करता, कौन सा, ये जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ ये वाला जो है, तो 1, 2 एंड 3, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया और डिवाइडेड बाय एन क्यू माइनस एन आ गया। क्लियर होगी जी बात कि कितनी बार ऐड करना है। तो आर इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया कि ऐसा जैसा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आर इज इक्वल टू 1-6 सिग्मा डी स्क्वायर मेरे पास कितना 88.50, ठीक, अच्छा, प्लस 1/12 इन टू, अब एम 1 कितने है जी मेरा 2, ठीक है, और यहां पे कितने, एम इज इक्वल टू 3 हो गया, तो एम क्यू तीन बार बोला मैंने आपको, 3 है ना, तो इसलिए 1/12 कितना है पेयर, 2 है। अगर मान लो यहां पे ये फिगर जो है तीन बार रिपीट करती तो यहां 3 आता, यहां जो तीन पेयर है लेकिन दो बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए 2 आ रहे हैं, हर जगह दो बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12 2 का क्यूब माइनस 2, ठीक है जी, तीन बार रिपीट किया इसलिए तीन बार मैंने इसको ऐड कर दिया। और एन क्यू माइनस एन इज इक्वल टू 8 क्यूब माइनस 8, या इसको लिख दूं 8 क्यूब होता है 512 और माइनस 8, एक ही बात है। ओके, तो चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1-6 इंटू 88.5 प्लस, अब देखिए 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 8 में से 2 आपके पास, ये देखिए 1/12, 8-2 कितना हो गया जी 6 हो गया, तो 6/12 कितना हो गया 0.5, तो इसलिए इसको सॉल्व करके क्या आ गया 0.5, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है सर 0.5, इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है 0.5, और यहां पे मेरे पास कितना आ रहा है 512-8, 504 आ रहा है। ओके, तो इस तरह से 1-6 इंटू 88.5 में अगर 0.5 करें तो 89 आ गया, 0.5 प्लस 0.5 करें तो 1 आ गया, तो 89 में 1 ऐड करूंगा तो मेरे पास 90 आ गया, डिवाइडेड बाय 504 विच इज इक्वल टू 1-550, 690 से मल्टीप्लाई किया तो 540, ये 504 विच इज इक्वल टू 1-1.071 विच इज इक्वल टू -0.071। क्लियर होगी जी, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास, जब हमारे पास सिमिलर आपके पास जो रैंकिंग होती है वो सिमिलर होती है, सेम रैंकिंग होती है, और कितने पेयर होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको ये कितनी बार जो है ऐड करना है। तो ये हमने आपको किसमें बताया था, कोरिलेशन के चैप्टर में आपको डिटेल में बताया था, और यहां अब आपका रिवीजन हो